दुब्बाक उपचुनाव के फैसले के बाद टीआरएस पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष केटीआर एवं वित्त मंत्री हरीश राव ने रखी अपनी बात, जिसमें मंत्री हरीश राव ने कहा कि हम जनता के फैसले का सम्मान करते हैं, उपचुनाव की हार की पूरी जिम्मेदारी लेता हूं। दुब्बाक के लोगों को धन्यवाद जिन्होंने टीआरएस पार्टी को वोट दिया। चुनाव में संघर्ष करने वाले हर एक कार्यकर्ता को धन्यवाद। दुब्बाक के हार से संभावित कारणों की पूरी समीक्षा कर गलतियों को सुधारेंगे। हम हमेशा दुब्बाक के लोगों की सेवा के लिए उपलब्ध रहेंगे। हारने के बावजूद भी टीआरएस पार्टी की ओर से एवं अपनी ओर से दुब्बाक के हर सुख दुख में साथ रहेंगे। सीएम केसीआर के नेतृत्व में दुब्बाक निर्वाचन क्षेत्र की अभिवृद्धि एवं प्रजा और कार्यकर्ता के लिए हर तरह से कार्य करने के लिए टीआरएस पार्टी हमेशा अपनी संभव सहायता प्रदान करेंगी। आगे तेलंगाना राष्ट्र समिति के कार्यकारी अध्यक्ष तारक रामाराव ने दुब्बाक उपचुनाव में पार्टी की हार को स्वीकार करते हुए कहा कि हार की वजह जानकर उसे दुरुस्त करने का प्रयास करेंगे। उन्होंने दुब्बाक उपचुनाव में पार्टी के लिए काम करने वाले सभी नेताओं एवं कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि टीआरएस पार्टी को जीत पर ना अहंकार है और ना ही हार पर वे कमजोर पड़ी है। उन्होंने कहा कि दुब्बाक उपचुनाव में परिणाम अपने आशा अनुरूप नहीं रहे, लेकिन चुनाव में हार जीत स्थायी नहीं होती। उन्होंने कहा कि दुब्बाक को छोड़कर विगत में हुए कोदाड़ विधानसभा उपचुनाव में पार्टी ने बड़ी जीत हासिल की है। पिछले 6.5 साल में टीआरएस ने अनेक जीत हासिल की है। उन्होंने कहा कि दुब्बाक उपचुनाव के नतीजे टीआरएस के नेताओं व कार्यकर्ताओं को और अलर्ट होने का संकेत है। नवभारत समाचार से रामेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।